अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग साइक्लो अल्केन्स को डिस्कस कर रहे थे। साइक्लो अल्केन्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मोनो अल्केन्स को, ठीक है। मोनो साइक्लो अल्केन्स को, मोनो साइक्लो अल्केन्स का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। और उसका हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा था, उनको हम लोग नाम बेसिकली याद कैसे देते हैं कि जितने कार्बन एटम वाला अल्केन होता है उसको वही वाला नाम दे देते हैं और उसके साथ हम वर्ड लगा देते हैं साइक्लो का, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स को। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर दो कार्बन एटम्स कॉमन होते हैं दो रिंग्स के अंदर या दो से ज्यादा रिंग्स के अंदर, ठीक है। यानी दो कार्बन एटम्स दोनों रिंग का पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लिक के अंदर। अब जो अगर दो रिंग्स का पार्ट हो तो उसको हम लोग बाईसाइक्लिक बोलेंगे, और अगर वो तीन रिंग्स का पार्ट होंगे तो उसको हम लोग ट्राईसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। यानी कि दो कार्बन एटम अगर तीन रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको हम ट्राईसाइक्लिक बोलेंगे, और अगर वो दो रिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बाईसाइक्लिक बोलेंगे। अब इसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, यानी बाईसाइक्लो एंड ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब इसके अंदर बेसिकली जो आपके पास ये वाला नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें जो दो कार्बन एटम्स जो दो रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम्स, ठीक है। और जो दोनों रिंग्स आपस में ज्वाइन हो रही होती हैं उनको हम लोग बोल देते हैं ब्रिजेस, ठीक है। ये जो दोनों रिंग्स बन रही होती हैं दोनों तरफ ब्रिज हेड कार्बन के इर्द गिर्द उसको हम लोग बोल देते हैं ब्रिजेस, ठीक है, ब्रिजेस बोल देते हैं। और फिर जो जो बॉन्ड होता है बिटवीन द ब्रिज हेड कार्बन एटम्स उसको हम बोल देते हैं ब्रिज बॉन्ड, ठीक है, ब्रिज बॉन्ड बोल देते हैं। तो ऐसे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच टू और मोर कार्बन एटम्स आर कॉमन टू टू और मोर रिंग्स, यानी दो या दो से ज्यादा कार्बन एटम्स कॉमन होते हैं दो या दो से ज्यादा रिंग्स के, तो उसको हम लोग कॉमन ओपन चेन कंपाउंड का नाम देते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और सुफिक्स लगा देते हैं साथ में, जैसे बाई साइक्लो, ट्राई साइक्लो। अगर दो साइकिल बन रहे हैं तो टू बाई साइक्लो दे देंगे, और अगर थ्री साइकिल्स बन रही हैं तो ट्राई साइक्लो दे देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नाम दूँ ना इसको, ठीक है, इसको नाम देने के लिए हम लोग क्या कैसे बेसिकली करते हैं, हम लोग बेसिकली ड्राइव करते हैं कि जो रिंग जो आपके पास अल्केन है टोटल पहले कार्बन एटम्स काउंट कर लेते हैं, टोटल अल्केन के अंदर कार्बन एटम कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन एटम वाला है, छः कार्बन एटम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है। अब हेक्सेन बोलते हैं और क्योंकि यहाँ पे दो रिंग्स बन रहे हैं तो दो रिंग्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है। अब ये सिर्फ इनफ नहीं है, हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि साइज ऑफ रिंग्स क्या है, यानी जो ब्रिज हेड कार्बन के इर्द गिर्द जो रिंग्स बन रहे हैं उनका साइज क्या है, उनके अंदर तीन कार्बन हैं, उनके अंदर दो कार्बन हैं, पांच हैं, चार हैं, कितनी कार्बन एटम्स वाला रिंग बन रहा है उसको मेंशन करने के लिए हम लोग एक जनरल नोटेशन यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास होता है 3.1.0, ठीक है, नंबरिंग मेंशन की जाती है। अब ये नंबरिंग जो है वो इंडिकेट करती है कि आपके पास हर रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखें है तो ये बाईसाइक्लो हेक्सेन, लेकिन बाईसाइक्लो और हेक्सेन के दरम्यान में ब्रैकेट्स मेंशन करके हम लोग हर रिंग के अंदर कार्बन एटम्स बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज हेड कार्बन एटम्स को निकाल के इस कार्बन एटम के अंदर एक दो तीन तीन कार्बन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, थ्री लगा देते हैं। और उसके बाद दूसरे वाला रिंग बन रहा है उसके अंदर ब्रिज हेड कार्बन को निकाल के जो एक कार्बन है उसको मेंशन कर देते हैं वन है, और ये जीरो वैल्यू शो करती है कि जो ब्रिज हेड कार्बन एटम्स है इनके दरमियान में यहाँ पर कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं जीरो, ठीक है। तो ये एक नोटेशन होती है जिसकी वजह से हम लोगों को रिंग का साइज पता चलता है इन द केस ऑफ बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक अल्केन्स के केस में, ठीक है। तो ये जनरल नोटेशन होती है। फिर बेसिकली नॉर्म जो चीज आ जाती है आपके पास, जो कि आप नंबरिंग को किस तरह से लिखते हैं, नंबरिंग को हम लोग बेसिकली ये तो पता चल गया है कि हम लोगों को थ्री है, एक के अंदर थ्री कार्बन है, एक के अंदर एक कार्बन है और एक के अंदर बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो ये तो चीज तो पता चल जाती है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है लिखने का, इसका ऑर्डर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा रिंग होता है उसके अंदर कार्बन एटम्स को पहले लिखा जाता है, फिर जो उससे छोटा रिंग होता है उसके अंदर लिखा जाता है, फिर जो उससे छोटा रिंग होता है उसके अंदर लिखा जाता है, या जो ब्रिज हेड कार्बन के दरमियान में कार्बन होते हैं उनको लास्ट पे लिखा जाता है।
तो इस तरह से हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल सी एग्जांपल थी। उसके अलावा अगर आपके पास ब्रिज हेड कार्बन के दरमियान में ब्रिज हेड कार्बन के दरमियान में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे ये ब्रिज हेड कार्बन के दरमियान में कार्बन है, इसको आप नंबरिंग कैसे देते हैं? तो इसको नंबरिंग देने के लिए अगर मैं इसका नाम लिखूँ तो आपको इसके अंदर यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं टोटल अल्केन के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8 कार्बन एटम है, और कितने रिंग्स बन रहे हैं? 2 रिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 रिंग्स बनाने के लिए हम लोग क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बाई साइक्लो, और दरमियान में क्योंकि ब्रैकेट्स होती हैं और ब्रैकेट्स हम लोगों को ये शो करती हैं कि हर रिंग्स के अंदर कितने कार्बन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल मैंने ऐसे छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? ऑक्टेन है, तो हमें इसको नाम दे दूंगी ऑक्टेन का, यानी बाई साइक्लो ऑक्टेन है। अब हर रिंग के अंदर कार्बन एटम्स बताने के लिए पहले रिंग के अंदर कार्बन एटम्स देखें। ये जो पहला रिंग है, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स को निकाल के पहले रिंग के अंदर जो लार्जेस्ट वाला रिंग है उसको देखें, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है। ठीक है, 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 3 डॉट। ठीक है, 3 डॉट मैंने मेंशन कर दिया। और फिर जो जो दूसरे वाला रिंग है इसके अंदर देखें कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ 3 डॉट 2 डॉट। और अब ब्रिज हेड कार्बन के दरमियान में कितने कार्बन है? सिर्फ 1 कार्बन है, दिस इज 1। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे 1। तो इसका नाम क्या बन गया है? बाई साइक्लो 3 डॉट 2 डॉट 1 ऑक्टेन का। ठीक है, अब ये तो है बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स बेसिकली कैसे होंगे? ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे बनते होते हैं कि जब आपके पास ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन ना हो और ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना रहे हो, तो इस तरह से आपके पास 3 रिंग बनते हैं। एक आपके पास ये ट्राइंगल वाला रिंग बनता है, एक आपके पास ये पेंटागोन बनता है, और एक आपके पास ये स्क्वेयर बनता है। तो 3 रिंग्स इस केस में पॉसिबल होते हैं, और जिसमें 2 कार्बन एटम 3 रिंग को ज्वाइन कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इसके कॉमन एग्जांपल्स करते हैं, कि एग्जांपल्स से आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हम लोग इसको नाम कैसे देते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाला स्ट्रक्चर देखें, पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर पहले वही वाला तरीका। सबसे पहले आप क्या कर लें, टोटल कार्बन एटम्स काउंट कर लें इसके अंदर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन एटम वाले को क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं। फिर कितने रिंग्स हैं? रिंग्स इसके अंदर 2 हैं, तो हम लोग उसको वर्ड नाम दे देती हैं बाईसाइक्लो ऑक्टेन का। अब बाईसाइक्लो और ऑक्टेन के दरमियान में ब्रैकेट्स लगा के हम लोग रिंग की साइज का बताएंगे। रिंग की साइज को कैसे बताते हैं? कि जो लार्जेस्ट रिंग होता है पहले उसके नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद जो स्मॉलेस्ट रिंग होता है उसका नंबर लिखते हैं। तो जो लार्जेस्ट रिंग है आपके पास ये 6 वाला है। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन को निकाल के इसके पास कितने कार्बन एटम है? इसके पास 4 कार्बन एटम है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 4। ठीक है, फिर जो जो आपके पास दूसरे वाला रिंग है यानी कि 4 कार्बन एटम वाला, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? इसके अंदर 2 कार्बन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है 2। ठीक है, और 0 का मतलब है कि ब्रिज हेड कार्बन के दरमियान में यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन करती है? 0। तो इस तरह से इसका नाम क्या बना है? इसका नाम बना है बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर आपको कितने कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं? इसके अंदर आपको 7 कार्बन एटम्स नजर आ रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टेन बोलते हैं। और उसके बाद क्योंकि 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स के लिए सिमिलर बायोसाइक्लो वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप हर रिंग के अंदर कार्बन एटम्स बता देते हैं। अब दोनों तरफ कार्बन एटम्स की तादाद इक्वल है, दोनों रिंग इक्वल इन साइज हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बना देंगे इसके अंदर, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स को निकाल के 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 2। फिर यहाँ पर देखिए मैंने 2 कार्बन एटम है, तो फिर मैंने 2 मेंशन कर दिया। उसके बाद 1 कार्बन एटम यहाँ पर इस कार्बन एटम को शो कर रहा है जो कि दोनों ब्रिज हेड कार्बन एटम्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 1। ठीक है, तो ओवरऑल इसका नाम क्या बना है? बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन का। ठीक है, अब ये देखिए रिंग्स बन रहे हैं। रिंग्स एक्चुअली में बन कैसे रहे हैं? रिंग्स यहाँ पर बन रहे होते हैं, ये देखिए एक रिंग ये वाला बन रहा है पेंटागोन, इस तरह से ये पेंटागोन बन रहा है।
ठीक है, और दूसरी तरफ जो दूसरा रिंग बन रहा है, दूसरा रिंग भी क्या बन रहा है, पंटागोन बन रहा है। ठीक है, दूसरा रिंग भी क्या बन रहा है, पंटागोन बन रहा है, यानी फाइव कार्बन एटम। ठीक है, तो दोनों तरफ रिंग्स जो है इक्वल बन रहे हैं इस केस में। अब यहाँ पर नंबरिंग की जरूरत नहीं है, नंबरिंग की जरूरत तब महसूस होती है जब आपके पास सब्स्टिट्यूट हो, लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये जो नीचे स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखिए सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा, एक मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ पे ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, और ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब नंबरिंग देने का ये तरीका है कि आप हमेशा नंबरिंग शुरू करते हैं कहाँ से, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं। ठीक है, और उस ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करेंगे जिसके पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट को प्रेफरेंस होगी क्योंकि दोनों ब्रिज हेड कार्बन एटम्स इक्वल हैं, हम दोनों को प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो फिर हम ज्यादा प्रेफरेंस उसको देंगे जिसके पास सब्स्टिट्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नंबरिंग क्या दे दी, वन, इसको दे दी नंबरिंग। अब दोनों तरफ रिंग का साइज देखिए, अब नंबरिंग मैंने उस तरफ को प्रोग्रेस करनी है जिस तरफ रिंग का साइज बड़ा है। इस केस में रिंग का साइज देखें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। इस तरफ देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ठीक है, इस केस में भी आपके पास 1 2 3 4 5, इस केस में 5 है। तो नंबरिंग में किस तरफ को प्रोग्रेस करूंगी, नंबरिंग में इस तरफ को प्रोग्रेस करूंगी। 1 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 6 7, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सब पहले हमेशा क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट को नेम देते हैं, और सब्स्टिट्यूट को नेम कैसे देते हैं, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे नंबरिंग देते हैं कि पहले इथाइल आता है, ई पहले आता है, तो हम लोग पहले इथाइल को देंगे, यानी ये आ जाएगा 3 इथाइल, 3 कार्बन एटम के ऊपर है तो 3 इथाइल। फिर उसके बाद आइसोप्रोपाइल ग्रुप आता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप 6 कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख देते हैं 6 आइसोप्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप देते हैं, मिथाइल ग्रुप क्योंकि एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर है और एक कार्बन नंबर 8 के ऊपर है, तो हम लोग उसको नाम देते हैं 1,8-डाइमिथाइल, डाइमिथाइल का। अब ओवरऑल कार्बन एटम कितने हैं, 8 हैं, तो उसको नाम क्या होगा, ऑक्टेन का। और दो रिंग्स बन रहे हैं तो बाईसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे, और ब्रैकेट्स ब्रैकेट शो करेंगी कि हर रिंग के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं। अब एक रिंग जो लार्जेस्ट वाला रिंग है, पहले उसको देखें, ये क्योंकि लार्जेस्ट रिंग है, क्योंकि नंबरिंग हमने इस तरफ से प्रोग्रेस की है, तो इस लार्जेस्ट रिंग के अंदर ब्रिज हेड कार्बन एटम्स को छोड़ के कितने कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड्स क्या यूज किया है, 3। ठीक है, 3 वर्ड यूज किया है। अब दूसरी तरफ को देखें, दूसरी तरफ को आपके पास 2 कार्बन एटम्स जो है वो ब्रिज हेड कार्बन एटम से बाहर है, जिससे यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया है, 2 का। और फिर एक कार्बन एटम ऐसा है जो कि ब्रिज हेड कार्बन एटम्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, वो है कार्बन नंबर 8। ठीक है, तो वो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, यानी कि एक कार्बन ऐसा है जो दो रिंग्स को ज्वाइन, दो ब्रिज हेड कार्बन को आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से नाम देते, टोटल कार्बन एटम 8 है और 10 का, तो इसका नाम ओवरऑल ये बन जाएगा 3-इथाइल-6-आइसोप्रोपाइल, 1,8-डाइमिथाइल बाईसाइक्लो, 3.2.1-ऑक्टेन। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये तो एक कॉमन हो गया कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे नाम दे देते हैं, इसको नंबरिंग देने का ये तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बन एटम कॉमन नहीं होते, बल्कि एक कार्बन एटम दोनों रिंग का पार्ट होता है, और वो इस तरह से पार्ट होता है कि वो दो दो बॉन्ड्स के थ्रू हर रिंग के साथ ज्वाइन हुआ होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्पायरो यूनियन बन गई है, यानी कि जिसके अंदर दो रिंग्स एक ही कार्बन एटम उनके अंदर कॉमन हो, दोनों रिंग्स के अंदर एक ही कार्बन एटम कॉमन हो, उसको हम लोग नाम दे देते हैं स्पायरो अल्केन्स का। तो स्पायरो यूनियन बन जाती है जब एक सिंगल एटम दो रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहा हो। अब वो जो कॉमन एटम होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पायरो एटम्स का। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास स्पायरो पेंटेन है, ठीक है, स्पायरो पेंटेन है, ये एक स्पायरो अल्केन है, इसके अंदर क्या है, 5 कार्बन है, इसको पेंटेन कहते हैं, और ये जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं स्पायरो कार्बन एटम। स्पायरो कार्बन एटम यानी ऐसा कार्बन एटम जो दोनों रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है बाय द 2-2 बॉन्ड्स, यानी दो दो बॉन्ड्स बना के। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला कार्बन एटम क्या है, दोनों रिंग्स का पार्ट है। ठीक है, तो जिसके अंदर एक कार्बन एटम दोनों रिंग का पार्ट होगा उसको बोलेंगे स्पायरो अल्केन्स, और जिसके अंदर 2 कार्बन एटम दोनों रिंग्स का पार्ट हो उसको बोलेंगे बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो
इसको नाम देने का बेसिकली ये तरीका होता है कि आप सिंपल जैसे आपने साइक्लोएल्केन को नाम देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी नाम दे देते हैं। इसको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो अल्केन का नाम होता है उससे पहले प्रीफिक्स लगा देते हैं, यानी स्पायरो यूज कर लेते हैं। और अगर आपके पास एक स्पायरो एटम प्रेजेंट है तो इसका मतलब है आप उसको मोनो स्पायरो का नाम देंगे, और अगर दो एटम्स प्रेजेंट है तो उसको आप डाई स्पायरो दे देंगे, ठीक है। और अगर तीन एटम है तो उसको आप ट्राई स्पायरो दे देंगे। नेक्स्ट पे आपके पास कॉमन एग्जांपल्स हैं मोनो स्पायरो, डाई स्पायरो, ट्राई स्पायरो की। मोनो स्पायरो में देखें, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन ऐसा है जो दोनों दो दो रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पायरो एटम प्रेजेंट हम लोग इनको नाम दे देते हैं मोनो स्पायरो अल्केन्स का, ठीक है। नेक्स्ट पे आपके पास देखें तीन रिंग्स हैं और तीन रिंग आपस में दो स्पायरो एटम्स के साथ ज्वाइन हुए हैं, यानी एक स्पायरो एटम ये है, एक स्पायरो एटम ये है, दो स्पायरो एटम्स के साथ आपस में ज्वाइन हुए हैं। तो ये इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं डाई स्पायरो अल्केन्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखें अगले वाला स्ट्रक्चर, अगले वाले स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पायरो एटम ये है, एक स्पायरो एटम ये है और एक स्पायरो एटम ये है, तीन स्पायरो एटम है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पायरो एटम प्रेजेंट हम इसको ट्राई स्पायरो अल्केन्स का नाम देंगे। अब एक बात आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब आपके पास एक स्पायरो एटम है तो यहाँ पर दो रिंग्स हैं, जब आपके पास दो स्पायरो एटम है तो यहाँ पर तीन रिंग्स हैं, और जब आपके पास तीन स्पायरो एटम्स हैं तो यहाँ पर कितने रिंग्स हैं, फोर रिंग्स हैं। तो ये एक जनरल सी एग्जाम्पल्स थी जो कि मैंने आपको जनरल सी जो है वो इसकी बता दी है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अब इसको नोमेनक्लेचर यानी इसको नाम देने के लिए हम लोग बेसिकली ये क्या यूज करेंगे, हम लोग बेसिकली पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी अल्केन का नेम होगा उससे पहले आप क्या लगा देंगे, प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं स्पायरो, ठीक है। स्पायरो को प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं, जैसे साथ में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके अंदर देखें कितने कार्बन एटम्स हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है पंटेन वर्ड यूज किया, और पंटेन से पहले क्योंकि स्पायरो है तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है, स्पायरो पंटेन का नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर आप क्या करते हैं, जो कार्बन एटम्स हैं अगर आपने हर रिंग के अंदर कार्बन एटम बताने हैं तो आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताएंगे, साइक्लोएल्केन के केस में आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बता रहे थे, जबकि इसके अंदर आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताने हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी आप हमेशा पहले कार्बन एटम्स उस रिंग के अंदर मेंशन करेंगे जिसका साइज क्या है, छोटा है। अब इसके अंदर तो दोनों का साइज इक्वल है तो मैं किसी साइड से भी नंबर, किसी साइड से भी कार्बन एटम्स को पहले लिख सकती हूँ, इस साइड से लिखूँ या इस साइड से लिखूँ। अब ये है तो स्पायरो पंटेन, स्पायरो पंटेन, स्पायरो और पंटेन वर्ड के दरमियान में ब्रैकेट्स लगा के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अलग अलग से शो करना, यानी 2.2, यानी इसके अंदर दो कार्बन एटम है और इसके अंदर दो कार्बन एटम है, तो इस तरह से मैंने शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास कार्बन एटम्स जो हैं वो उनको हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, उनको बेसिकली नंबरिंग हम लोग करने के लिए क्या यूज करते हैं, नंबरिंग हमेशा उस रिंग से शुरू करेंगे जिस रिंग का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और उस कार्बन एटम से शुरू करेंगे जो कि स्पायरो एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो अब दोनों रिंग्स का साइज इक्वल है, लेकिन मैं नंबरिंग जो है वो वहां से शुरू करूंगी जो स्पायरो एटम के साथ वाला कार्बन होगा, नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग आपको पता है तब भी इंपॉर्टेंट होती है जब आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो, नहीं तो स्पायरो अल्केन्स या जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं आप नंबरिंग ना भी शो करें तो आप उसको डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग देने का ये वाला तरीका होता है, और फिर उसके बाद आपके पास कॉमन कोई एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे ये डिकेन की एग्जांपल है एक, इसके अंदर टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कार्बन एटम है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया है, डिकेन का नाम दिया है, ठीक है। अब डिकेन का नाम दिया है तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने बताना है कि हर रिंग के अंदर इसको हम नाम दे देंगे स्पायरो डिकेन का, क्योंकि स्पायरो है ना, स्पायरो एटम है, दरमियान में एक कार्बन एटम दोनों में कॉमन है तो ये स्पायरो अल्केन है। अब हमने बताना है कि हर रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, तो पहले हमेशा मैं किसको लिखूंगी, स्मॉलर रिंग के अंदर जो कार्बन एटम्स हैं उसको मेंशन करूंगी, ठीक है। तो स्मॉलर रिंग ये वाला है, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन एटम है, तो इसलिए मैंने इसको क्या नंबर दे दिया है, 4, ठीक है। फिर मैं लार्जर रिंग की तरफ मूव करूंगी, इसके अंदर आपको कितने कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर 5 कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 मेंशन कर दी, तो स्पायरो 4, 5, डिकेन
डिकेन हो जाएगा, ठीक है, स्पायरो 4-5 डिकेन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद हमेशा ये याद रखना है कि स्पायरो के केस में केस उलट होता है, आप नंबरिंग भी असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और उसको जो रिंग के अंदर जो नंबरिंग है उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो इसको नंबरिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको पहले तो आप टोटल कार्बन एटम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन एटम है, 9 कार्बन एटम के लिए 9 वर्ड चूज करते हैं। फिर अब आपने क्योंकि सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी बतानी है, तो हमेशा मैंने बताया है कि नंबरिंग कैसे शुरू करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी नंबरिंग स्पायरो एटम के साथ वो वाला रिंग चूज करेंगे जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और स्पायरो एटम के साथ वाले कार्बन एटम से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4, फोर, और फिर नंबरिंग उस साइड लार्जर रिंग की तरफ जैसे ही मूव करते जाएंगे तो उस साइड पे मेंशन करेंगे जिस साइड पे सब्स्टिट्यूट ज्यादा नजदीक होगा, 4 5 6 7 8 और ये 9 हो जाएगा, 9 कार्बन एटम्स के, ठीक है, ये 4 है और ये 6 है। अच्छा, अब इसको नाम देने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करेंगे 5-मिथाइल, क्योंकि 5 के ऊपर मिथाइल है, पहले सब्स्टिट्यूट को नाम दे दिया, फिर उसके बाद स्पायरो, ठीक है, स्पायरो वर्ड यूज किया, स्पायरो, अब नंबरिंग को मैं रेज कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, 5-मिथाइल, फिर स्पायरो, और फिर स्पायरो के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक नंबरिंग, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग, तो हमेशा पहले क्या करते हैं, स्मॉलर रिंग को मेंशन करते हैं, स्मॉलर रिंग को मेंशन करने के लिए इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं तो पहले लिख दिया 3, इसके अंदर 5 कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, सॉरी ये वाला कार्बन एटम भी साथ इंक्लूडेड है, एक सेकेंड, ये 5 कार्बन एटम्स, यानी स्पायरो एटम को छोड़ के बाकी जो एटम्स हैं रिंग का पार्ट है उसको इंक्लूड करें तो आपके पास 5 एटम्स बनते हैं। तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबरिंग भी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर देनी है कार्बन एटम्स को, और जो कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग जब आप लिख रहे होंगे तो तब भी आपने क्या करना है, नंबरिंग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और यही एक चीज है जो कि साइक्लो अल्केन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको नंबरिंग देने के लिए इसके अंदर 7 कार्बन एटम्स है तो आप इसको नाम दे देंगे हेप्टेन का, और स्पायरो वर्ड यूज करते हैं। उसके अलावा हर एक रिंग के अंदर 3-3 कार्बन एटम्स हैं जो कि स्पायरो एटम से बाहर हैं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 3-3, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ 3-3 है। उसके बाद आपके पास आ जाती है पोली कंपाउंड्स की, यानी पोली स्पायरो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 से ज्यादा जो है ना वो 3 से ज्यादा स्पायरो एटम्स प्रेजेंट हो, 2 या 3 से ज्यादा स्पायरो एटम प्रेजेंट हो, तो उनको हम नाम कैसे दे देते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं डाई स्पायरो, ट्राई स्पायरो, टेट्रा स्पायरो, ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ अल्केन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि लिंक होते हैं इनको हम लोग इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ऐसे ही ऑर्डर के अंदर जैसे नंबरिंग प्रोसीड करती है, ठीक है, नंबर ऑफ इसको भी इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं विद द रिंग एटम, रिंग एटम से नंबरिंग शुरू करते हैं जो कि स्पायरो एटम के साथ होता है, और बिल्कुल ऐसे ही नंबरिंग करते हैं टर्मिनल अल्केन, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही नंबरिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करते हैं जैसे आपने अभी कॉमन उसके अंदर किया है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर पोली स्पायरो कंपाउंड्स के अंदर कैसे डिफरेंट हो सकती है वो हम लोग मेंशन करेंगे एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपके पास ये वाली एग्जांपल है ना, इसके अंदर पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 कार्बन एटम वाले को बोलते हैं हेप्टाडिकेन, ठीक है, 17 कार्बन एटम है तो 17 कार्बन एटम को बोलते हैं हेप्टाडिकेन, और ये कितने स्पायरो एटम है, कितने स्पायरो एटम है, 1 2, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हम इसको डाई स्पायरो का नाम, ठीक है, डाइस्पायरो का नाम देने के बाद हम लोग इसको उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डाइस्पायरो हेप्टाडिकेन, ये बात आपको पता चल गई। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग मेंशन करना है, ठीक है, तो हमेशा पहले वो वाला रिंग सेलेक्ट करें जिसका साइज क्या है, थोड़ा छोटा है, ठीक है, और वो हमेशा टर्मिनल से शुरू करते हैं, टर्मिनल से, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले को मैं सिलेक्ट कर लूंगी, इस वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसके अंदर कितनी कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम वाले को पहले मैंने 5 मेंशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैं इस तरफ को मूव करूंगी, इस तरफ को मूव करते हुए इन दोनों स्पायरो एटम के दरमियान में जो कार्बन एटम होगा उसको मेंशन करेंगे, यानी 1 मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसके साथ जो
जो रिंग है यानी लार्जर रिंग है उसकी तरफ मैं मूव करूंगी। उसकी तरफ मूव करने से आपको पता चला है कि यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है, तो यहाँ पर मैंने 7 मेंशन कर दिया, ठीक है। और फिर उसके साथ इस साइड पे अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या बना है, डाइस्पायरो हेप्टा डिकेन का नाम करते हैं। तो पोली स्पायरो कंपाउंड्स को इस तरह से नेमिंग देते होते हैं, यानी आप नंबरिंग स्मॉलर रिंग से शुरू करते हैं और ऐसे एटम से शुरू करते हैं जिसके जो स्पायरो एटम के बिल्कुल साथ होता है, ठीक है। उस यानी कि छोटे रिंग से आपने शुरू किया है, और फिर आप मूव कैसे करते हैं दोनों स्पायरो एटम के दरमियान में, यानी इस ऊपर वाले पार्ट को पहले नंबर देते हैं, फिर इस रिंग को पार्ट लार्जर को देने के बाद फिर आप सेंटर वाले की तरफ, यानी निचला पार्ट जो होता है उसको आप बाद में नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है इसको नंबरिंग देने का। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, पॉलीस्पायरो कंपाउंड्स को नंबर देते हैं। आपने याद रखना है कि हमेशा जो साइक्लो अल्केन्स होते हैं, मोनोसाइक्लो अल्केन्स हो गए, या जो ये जो बाई साइक्लो की अभी हमने कॉमन एग्जाम्पल की है, ट्राई साइक्लो की है, तो इसको नंबर देने के लिए आप हमेशा जो है ना वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर देते हैं, यानी पहले आप लार्जर रिंग को नंबर देते हैं फिर आप स्मॉलर रिंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जबकि स्पायरो के कंपाउंड्स के केस में आपने अगर कार्बन एटम को नंबर देना है या अपने ब्रैकेट्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मेंशन करना है, तो तब भी आप क्या करेंगे, हमेशा स्मॉलर रिंग से शुरू करेंगे और फिर आप लार्जर रिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉलर रिंग से शुरू करते हैं और लार्जर रिंग की तरफ जाते हैं, तो इस केस में आपका ऑर्डर क्या हो जाता है, थोड़ा उलट हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का आज का लेक्चर था। अब इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप लोग कर लेंगे। आप लोगों ने ये सॉल्व करनी है, मुझे असाइनमेंट की फॉर्म में सेंड करनी है, और इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी।